सुबह से इन पायलट साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जो भी कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित हुए, बहुत सारे कार्यक्रम में मैं गया। कार्यक्रम तो सभी कार्यक्रम में तो मैं नहीं जा सका, लेकिन 4-5 कार्यक्रम में मैं गया। वहाँ भी लोगों में उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत उत्साह था, ब्लड का भी था। गायों के लिए लापसी बना करके गौशालाओं में 2-3 जगह गौशालाओं को भी लापसी एक दिन के लिए उनको व्यवस्था की गई, और पौधारोपण का भी कार्यक्रम था शाम को। मूक बधिर का भी कार्यक्रम है, उसमें मैं नहीं जा सका क्योंकि वो प्रोग्राम शाम को है। तो इस प्रकार जोधपुर में बहुत शानदार कार्यक्रम थे, लोगों में बहुत उत्साह था, बुजुर्ग युवा सभी तरह के लोग वहाँ मौजूद थे। अजमेर में भी बहुत उत्साह है, अजमेर में मैं भी हॉस्पिटल गया, वहाँ लोगों को खून देने में यहाँ एक दूसरे से बढ़कर ज़्यादा लोग आए थे, इतना सबका ले नहीं पाया, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत उत्साह था। यहाँ खास करके यही प्रोग्राम था, और भी दूसरे कई प्रोग्राम थे जो आज नहीं पहले भी आयोजित थे। सीनियर जो हमारे कांग्रेस जन हैं उनके सम्मान करने का वो भी कार्यक्रम रखा था। शाम को मूक बधिर के भी कार्यक्रम रखने का है हमारे, वहाँ भी जाएंगे, और भी प्लांटेशन का भी NCC के वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ भी जाएंगे। इस तरह से लोगों में बहुत उत्साह है। सर देखो, कोई जब सत्ता में होता है तो उसके तो आगे पीछे सब घूमती, दुनिया घूमती, लेकिन सत्ता में नहीं होता है तभी उसकी पहचान होती है कि लोग कितने उनके साथ नहीं। ये शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, ये कोई पद की या कोई और दूसरी बात नहीं है, ये एक उनके प्रति लोगों का सम्मान है। लोग उनको कितना चाहते हैं और उन्होंने लोगों किस तरह से लोगों के दिलों में वो बसे हुए हैं, इसलिए ही लोग स्वेच्छा से, कोई किसी प्रकार का लोगों को दबाव नहीं, कोई किसी प्रकार की बात नहीं, लोग आए सब अपनी मर्जी से आए, मर्जी से खून दिया है। और इससे ज़्यादा कोई पुण्य का काम भी नहीं हो सकता। इस खून से कितने लोगों की जान बचेगी, तो लोगों ने उनके जन्मदिवस पर अपना खून दिया, इससे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते। पंच सरपंच के चुनाव में पार्टी आधार पर नहीं होते हैं, वो गाँव की जनता जिसको चाहती है उसको सरपंच चुनती है, और इसमें हम पार्टी के लोग भी उसमें किसी प्रकार का भाग नहीं लेते, दखल नहीं देते। तो जहाँ तक हो अगर गांव में पंच या सरपंच के चुनाव निर्विरोध हो, उससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबकी सहमति बनना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं बने तो उस स्थिति में फिर चुनाव ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी चुनाव हो तो भी वो सही तरीके से चुनाव हो, लोगों में चुनाव के बाद वो मिल बैठ करके काम करें, कोई गांव में कटुता नहीं, इस प्रकार की लोगों में भावना होनी चाहिए। पूर्व में इस प्रकार की ही भावना हुआ करती थी, लेकिन ज्यों ज्यों धीरे धीरे ये प्रचार की तरह आज जिस प्रकार की स्थिति हो रही है उसमें गाँव में भी कटुता बढ़ रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं।